में अपनी अपनी बात संगठन के ऊपर रखा। माननीय अध्यक्ष जी, तमाम लोग अभी आपके आने से पहले और अभी तक केवल 2022 का रट लगाए पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ संगठन पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 2019 हमारा एकदम सामने है, 3 महीना बाद हमारा चुनाव होना है। सबसे पहले हम लोगों को संगठन पर ध्यान देना होगा। संगठन में सरकार कौन बनाता है? सरकार संगठन के लोग बनाते हैं, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता बनाते हैं, बूथ स्तर के पदाधिकारी बनाते हैं। सभी हम जिलाध्यक्षों से अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, अगर आप लोग अनुप्रिया देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। राजभर जी तमाम चीजें बोल रहे हैं, मतलब जो दलित साथी जो दलित साथी हैं वो उठक रहे हैं। सहयोगी दल है और उनके पास पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने की, और मैं उन पर कोई टिप्पणी इस प्रकार करना नहीं चाहती। हमारी पार्टी की जो मांगे हैं उसको मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख मैं हर पार्लियामेंट सेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें हम अपनी पार्टी की मांगों को रखते हैं। 10 तारीख को फिर से सर्वदलीय बैठक होने जा रही है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो हम पुनः ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक सहयोगी दल के नाते रखेंगे। मतलब अगला चुनाव भी आप इसी गठबंधन से लड़ेंगे? हम एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए के साथ ही अगला चुनाव भी लड़ेंगे।